आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल मूंग दाल के पकोड़े, जिसको कि हम मंगोड़े भी बोलते हैं। 2 कटोरी मैंने पीली मूंग की दाल ली है, जिसको कि मैंने 5 से 6 घंटा भिगोया है। भिगोने के बाद आप देख सकते हैं दाल इस टाइप की फूल चुकी है। अब हम इस दाल को मिक्सी में डालकर पीसेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इस दाल को हमें दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फाइन दाल को हमें नहीं पीसना है। इसी से इन पकोड़े का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप इसको दरदरा पीसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। दाल को पीस के हम एक कंटेनर में खाली कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दाल मैंने कितनी दरदरी पीसी है और ये दाल अभी बहुत मोटी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी हम इतना डालेंगे क्योंकि हमें इसके पकौड़े बनाने हैं। एकदम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दाल को। आप देखिए दाल कितनी एकदम फूल रही है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की है, आप देख सकते हैं। इसको मतलब अब ये दाल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले स्वाद अनुसार। इसमें नमक, लाल मिर्च, जीरा, पिंच ऑफ हींग, साबुत धनिया। साबुत धनिया इसमें मस्त है, इसी से इन पकौड़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो ये आप जरूर डालें। लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का काटा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, इससे ये पकोड़े दिखने में भी बड़े सुंदर लगेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें आप थोड़ी सी पालक भी ऐड कर दें, आप चाहें तो प्याज, प्याज के पत्ते वो भी हम डाल सकते हैं। एकदम बढ़िया मिक्स कर दें सब मसालों को, दालों को। अब हम इसके बनाएंगे पकोड़े। तेल गरम होने के लिए रख दिया है मैंने। तेल एकदम गरम होने के बाद आप इसकी आंच को मीडियम टू हाई कर दें और इन पकोड़ों को, और इसके आप छोटे छोटे पकोड़े निकालें। ध्यान रखिएगा गैस को आप मीडियम टू हाई रखेंगे, वरना ये ऊपर से तो क्रंची रहेंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। और आप इनको छोटे छोटे पकोड़े निकाल के डीप फ्राई करें। तैयार है गर्मा गर्म मूंग दाल के पकोड़े। इंजॉय करें चटनी के साथ। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।